आज मैं आपको दो प्रॉपर्टी शो करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक 80 स्क्वायर यार्ड, एक 100 स्क्वायर यार्ड, जो कि क्लियर टाइटल है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक चौकआउट कीजिए। ये जो चौरस्ता देख रहे हैं, दम्बई घोड़ा चौरस्ता है, और आगे प्रॉपर्टी से खरीब में आपको ईसेल चौरस्ता भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ से ईसेल चौरस्ता और मौलाली बिल्कुल खरीब में मिल जाएगा। तो दम्बई घोड़ा चौरस्ते से अपन सीधा स्ट्रेट आ रहे हैं, तो मैं आपको सीधा प्रॉपर्टी तक लेके जाऊंगा। आप देख सकते हैं आजू बाजू का एरिया, मेन रोड से बिल्कुल करीब में कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए आई हुई है। आप ऊपर बोर्ड भी देख सकते हैं दम्बई घोड़ा। तो यहाँ से आप सीधा प्रॉपर्टी तक लेके जाऊंगा। यहाँ से वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आपको पता चले आजू बाजू का एरिया। तो यहाँ से अपन देखिए, ये जो लेफ़्ट रोड जा रही है ईसेल चौरस्ते को, अपन आए दम्बई घोड़ा चौरस्ते से, तो ये राइट साइड पर दम्बई घोड़ा चौरस्ता है बिल्कुल करीब में। ये पंप से अपन ये गली में अंदर जाना है प्रॉपर्टी के ने, तो ये पंप से सीधा अपन अंदर ले लेंगे। बहुत ही पीसफुल कॉलोनी है, सारी डिटेल मैं वीडियो में प्राइस के साथ बता चुका हूँ। आजू बाजू का माहौल आप देख सकते हैं, अच्छी कॉलोनी में है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दो भी कम्बाइंड है और पीसफुल एरिया है। तो यानी कि हिंदू या मुस्लिम कोई भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है फॉर सेल के लिए। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक चेकआउट कीजिए, प्राइस के साथ ये वीडियो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हैदराबादी चैंपियन चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ। आज हम आए हुए हैं ईसीएल चौरस्ता यानी कि साई बाबा नगर। तो मेरे साथ ओनर है इकबाल भाई, ओनर से बात करेंगे, यहाँ की डिटेल्स लेंगे और यहाँ के वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट कीजिए। विद प्राइस के साथ बताऊँगा क्या डिटेल्स है घर की देखेंगे और कितना किराया आ रहा। मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं दो मंजिल है 80 गज़ पे, यानी कि पीछे भी इसमें बैक साइड में स्पेस छुटी हुई है। और दो मलगियों का किराया, यानी कि एक मलगी का किराया आपको 2500 और एक मलगी का 2500 किराया आ रहा। और पीछे वॉशरूम वगैरह भी यहां पर बना के दिया गया है जो मलगी किराए से लेंगे। तो ओनर से थोड़ी बहुत बात करेंगे और यहां की डिटेल लेंगे और प्राइस के बारे में बात करिए। वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट कीजिए ताकि आपको आइडिया हो। तो मेरे साथ ओनर है इकबाल भाई, इकबाल भाई से बात करेंगे। आप एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके जो प्लॉट रहेगा उसके करीब में आपको सनशाइन स्कूल है जो नर्सरी से 10th तक आपको रहेगा इंग्लिश मीडियम में। तो ये साई बाबा नगर, यहाँ से आपको 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ईसीएल मौलाली और हफ्सीगुड़ा, यानी कि बिल्कुल सिटी में आपको अच्छे डेवलप एरिया में ये दो प्लॉट मिलेंगे। 80 एक 80 गज़ का है, एक 100 गज़ का है। दो भी बताऊँगा, एक ही वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट करें। अब ओनर से थोड़ा बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन क्या था इकबाल भैया? ये दम्बई घोड़ा साई बाबा नगर आता है, साई बाबा नगर जी, ईसेल से 1.5 से 2 किलोमीटर पे है। ईसेल से 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो अपनी जो प्रॉपर्टी जो सेल करने की है जी, जो बैक साइड पे है, एग्जैक्ट क्या कितने गज पे हो? जी 80 गज पे है, दो मड़गियां हैं जी और 6 पिल्लर हैं, पीछे जगह है जी और दो तरफ से गेटा है जी और कॉर्नर प्लॉट है जी और डबल रोड का प्लॉट, डबल रोड का प्लॉट है जी, 80 गज का है। तो लिंक डॉक्यूमेंट असिस्मेंट वगैरह साथ जी है, सारी चीजें हैं जी और लीगल है पूरा जी। परमिशन कितने का होगा इधर? G+3, G+3, G+4 बना सकते हैं, G+4 ऑलरेडी बन रहे हैं, बाजू भी बन रहा, देखिए देख सकते हैं आप। तो अपने बिल्कुल मलगी के सामने आप देखिए, ये सामने ईदगाह है क्या? हाँ ईदगाह है, एक बार ईदगाह को शो कर लीजिए, वो मस्जिद है, ये ईदगाह है आपके बिल्कुल करीब में। और आपके लेफ्ट साइड में एक मस्जिद मिलेंगी, आपके यहाँ पर एक मस्जिद मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में। और बिल्कुल आगे आपको टेम्पल भी है और साई चर्च भी है, यानी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों भी कम्बाइंड है। तो बहुत ही अच्छी जगह, अच्छे डेवलप एरिया में आपको ये प्लॉट मिलने वाला है 80 गज़ का। तो जाएंगे अपन अंदर, सारी डिटेल देंगे किस तरीके से बना हुआ है। तो इकबाल भाई, अपन आप रजिस्ट्री नहीं कराए? रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मैं जी, लिंक डॉक्यूमेंट हर चीज़ क्लियर है, बट सामने वाले को करा के दे देंगे जी, हो रजिस्ट्री करा के दे देंगे जी जी। तो ये आप देख सकते हैं नोटरी पे है, नोटरी पे है जी, पट्टा है मेरे पास जी, पट्टा है और हर चीज क्लियर है, यानी कि अपन करा ले सकते हैं रजिस्ट्री जो भी जी। हाँ रजिस्ट्रेशन करा ले सकते, करा ले सकते जी हाँ। तो ये पूरा टोटल 80 गज पे, पीछे इतनी स्पेस आपको दी गई, यानी कि यहाँ से अपन मलगी में जा सकते। ये दरवाजा है पीछे का। अच्छा मलगी से मड़गी को, दो मलगिया वाले भी आ सकते इधर से? नहीं एक ही मलगी वाला, एक ही मलगी, यानी कि दो मलगी है, किराए पे दिए गए, अच्छा किराया भी आ रहा है 1500। पीछे 30 स्पेस है, अगर आप लेके तोड़ के भी बनाना चाह रहे तो बना ले सकते हैं, ऊपर घर नीचे मलगिया बना के किराए पे दे सकते हैं, यानी बोल तो इसी तरीके से आप ले लेके किराए पे दे सकते हैं ऑलरेडी रनिंग मलगी। तो आप देख सकते हैं आपके जो मलगी के बैक साइड का हिस्सा है,
यहाँ से भी आप रोड पे, ये साइड से भी आपकी एक छोटी गेट है, यानी कि आपको किराए पे जिसको अगर मलकी दे रहे उनकी फैसिलिटीज़ के वास्ते यहाँ पर आपको वाशरूम वगैरह बना हुआ है। नल का कनेक्शन यहाँ पर है, गवर्नमेंट नल जो मीठा पानी का, एक दिन आड़ा था, पानी की अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो जो कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इकबाल भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इकबाल भाई का नंबर ओनर का डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और एक बात, 100 गज का प्लॉट वहाँ पर है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है, इकबाल भाई कितने पिलर है अपने बिल्डिंग में? 6 पिलर, ये सॉरी ये मलियों में 6 पिलर है। तो अपन तो ये रहा ऊपर का हिस्सा, ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा, देख सकते हैं 6 पिलर ये मलियों में आपको मिलेंगे, 6 पिलर वगैरह इसमें देंगे। ये पीछे का हिस्सा ऊपर से मैं बता रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, इतना हिस्सा फिलोखा अभी स्पेस दी गई है। ये वॉशरूम है, सामने आपको ईदगाह मिलेगा, और ये बिल्कुल अपोजिट में आपको सनशाइन हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू 10th, और यहाँ पर आप मीनार देख रहे होंगे, ये झाड़ के पीछे मस्जिद बिल्कुल करीब में, यहाँ राइट साइड में भी एक मस्जिद है और घर के बैक साइड में भी एक मस्जिद है। आप बिल्कुल 3 मस्जिद आपको लग के है और बिल्कुल चौरस्ते पे ये प्रॉपर्टी है आपको भाई जी, इकबाल भाई की। और एक वो मस्जिद के बाद जो प्रॉपर्टी है 100 गज पे, वहाँ पे भी 3 मलगियाँ हैं, और पीछे 1 BHK मकान बना हुआ है किराए पे है वो भी, तो वो भी फॉर सेल का है। ख्वाहिशमंद हज़रात वीडियो पर आप पहले चेकआउट कीजिए, लास्ट तक देखिए, तो उसकी भी मैं डिटेल दूंगा आपको यही वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ का भी वीडियो कवर करते हैं। जब से आप जो वीडियो देख रहे थे यही 2 मलगी है वो मैं ऊपर से आपको पूरा कवर करूँगा। तो आप एक बार करीब से मैं आपको मलगियाँ बता दूँ। यहाँ देखिए मलगी, अभी ये रनिंग मलगी है, ये शॉप है यहाँ पर लेडीज़ की, और एक यहाँ पर एक ये मलगी है, दो भी मैं आपको बिल्कुल करीब से बता दूँ। यहाँ पर आप ये रोड पे एवरी मंडे यहाँ पर आपको मार्केट लगती है, जो कि हर एरिया में डे के हिसाब से जो मार्केट लगती है तरकारी मार्केट, देख सकते हैं आप। बिल्कुल यहाँ पर पानी की टैंकी भी है, मैं आपको खरीब में जाके पानी की टैंकी मस्जिद भी बताऊंगा, और ये ईदगाह भी है, और ये प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए है, 80 गज पे है, लिंक डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, पट्टे की ज़मीन है, पट्टे का है ना, पट्टे की जी। तो आप जो कोई भी लेना चाह रहे डायरेक्ट आपको रजिस्ट्री करा के देंगे, ओनर का नंबर डायरेक्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा, और इस डायरेक्ट ओनर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो ब्रोकर, बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं रहेगा। तो ख्वाहिशमंद हज़रात डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिए, और कुछ डॉट वगैरह आपको है तो कमेंट में भी बता सकते हैं, डायरेक्ट ओनर को भी कॉल कर सकते हैं, और लोकेशन मैं आपको एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से फिर एक बार मैं आपको बता दूँ, मौला अली ECL बहुत ही बिल्कुल करीब में आबादी के बीचों बीच है, हर वो चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटीज है, मुस्लिम हिंदू दोनों भी, मुस्लिम हिंदू दो भी मिक्स यहाँ पर कम्बाइंड है आपको, और मेन रोड बिल्कुल करीब में है। आप देख सकते हैं मैं मेन रोड से स्टार्टिंग में वीडियो कवर कर लेता है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है मेन रोड पे, आपको जिम वगैरह, हॉस्पिटल, बस, ऑटो, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, अच्छे डेवलप एरिया में है। ख्वाहिशमंद हज़रात डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो आगे, और एक 100 गज की भाई की प्रॉपर्टी है वो भी कवर कर दें। मैं आ गया भाई के दूसरे प्लॉट के पास जो कि यहाँ पर है, करीब से बताऊँगा, पूरी डिटेल दूंगा। 3 मलगी है और 1 BHK घर भी पीछे बना हुआ है, तो मैं पहले आपको आजू बाजू का माहौल और अतराफ का एरिया बता दूंगा। जो बिल्कुल बैक साइड में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो वाटर टैंक है, मीठा पानी का कनेक्शन जो एक दिन आड़ बस्ती में आता, बिल्कुल करीब में आपको, पानी की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल मस्जिद भी है, देखो करीब में ये रोड है, और ये देखिए बस्ती देखिए आप, अच्छा पीसफुल एरिया है, हिंदू मुस्लिम कम्बाइंड है ये प्रॉपर्टी, या हिंदू या मुस्लिम कोई भी ले सकते हैं, अच्छे एरिया में। तो देखिए आप करीब से मलगियाँ बताऊंगा मैं ले जाके, और 1 BHK जो घर बना हुआ है वो भी बताऊंगा। तो ये एग्जैक्ट अपने को फिर से एक बार बता दूं मैं, साई बाबा नगर इसको बोलते हैं, दम्बई घोड़ा ECL, यानी कि आपको यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ECL चौरस्ता मिल जाएगा और मौलाली मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जगह पर ये 2 प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए, एक 80 गज पे, एक 100 गज पे, ये भी 80 गज पे पेपर है, बट यानी कि 100 गज पे पूरा है पेपर, 80 गज का मिलेगा, आप मेजरमेंट करें तो 100 गज निकलेगा, मगर पेपर 80 गज पे बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल ये प्रॉपर्टी के अपोजिट में आपको मेडिकल वगैरह भी मिल जाएगा। तो आपको ये बता दूंगा मैं, यहाँ पर देखिए 2 मलगे है, अभी ये रेंट पे देने का है, टॉयलेट के बोर्ड लगाए हुए हैं, और यहाँ पर किराना स्टोर पहले थी शायद, तो अभी देखिए एक छोटी मलगी है। ये मलगी का साइज़ क्या होगा सब? 10x12 10x12 है, ये एक छोटी है 5x12 है, 12, यानी कि 3 मलगी ये प्लॉट पे मिल जाएंगे, 100 गज का ये प्लॉट रहेगा, यानी कि सामने मलगी रहेंगी फेसिंग पे, बैक साइड में 1 BHK हाउस है, वो भी मैं अंदर से आपको लाइट झलकी बता दूंगा। तो आप लोकेशन देख लीजिए,
तो साहब इसकी भी डिटेल्स क्या है अपने को, इसके हर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने को क्लियर मिल जाएंगे इसके लिए। ये भी पट्टे की, हाँ पट्टे की है, इसके भी लिंक डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे जी। इसकी आप रजिस्ट्री कराए? नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा, नो ट्रिप ही नो ट्रिप ही। रजिस्ट्री करा ले सकते हैं? हाँ रजिस्ट्रेशन करा ले। तो सामने वाले को अपन करा के देना है या कैसा? उन्होंने करा ले सकते, उन्होंने करा आ गया रजिस्ट्रेशन, परमिशन है ना, रजिस्ट्री चालू है, रजिस्ट्री चालू है जी। तो देख सकते हैं आप ये 80 गज पे, यानी कि आप मेजरमेंट करें तो 100 निकलेगा, पेपर 80 गज के मिलेंगे, फेसिंग इधर है आपको, डबल रोड का है ये, देखिए ये चौरस्ता है, ये फेसिंग भी आपको मिलगी मिलेंगी, ये बिल्कुल और एक रोड लग के है, बैक साइड में आपको घर मिलेगा। ये जरा अंदर जाऊंगा मैं, किराएदार है, किराया कितना रहा सर इसका आपको? इसका 5,000 है, 5,000 किराया रहा है, मण गेहूँ के 2,500 रुपये, 2,500 भी बोले तो आपको एक 5,000 में 5 और ये 10-12,000 रुपये आ जाता ये प्रॉपर्टी पे जी। हाँ या तोड़ के कोई भी ऊपर घर बना के नीचे मलिया भी किराए पे दे सकते, शेड भी नया डाला है सर, हाँ सामने शेड वगैरह भी मारा है। तो यहाँ से अपने को ईसेल वगैरह हर चीज खरीद है, हर चीज की फैसिलिटीज है, 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर पे ईसेल मोलाली हर चीज खरीद पे। और यहाँ पे मैं बस्ती में देखा साई बाबा नगर में आपको दुकान वगैरह किराना स्टोर, और ये 40 फीट रोड है, 40 फीट रोड है, ये भी 40 फीट है, वो भी 40 फीट है, ये भी 40 फीट घर के आजू बाजू दो भी फ्रंट में और लेफ्ट साइड में जो रोड लग के जा रही प्लॉट को 40 फीट की रोड है। और मेन बात क्या है बोलते, यहाँ से बिल्कुल मेन रोड खरीद पे है, वो मेन रोड जो ईसेल से कहाँ जा रही थी अपनी रोड, वो चौरस्तापन जो रोड से लेके आए वीडियो जी, ये राधिका से सीधा रोड आ रही है जी जी, तो वो रोड पे आप देखे होंगे, मैं वीडियो स्टार्टिंग में कवर करा, हर वो चीज़ की फैसिलिटीज है, हर वो चीज़ की फैसिलिटीज है, बिल्कुल अच्छे एरिया में, पीसफुल एरिया में। ये दो प्लॉट फॉर सेल के लिए, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिए, ओनर का नंबर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसमें कोई भी ब्रोकर रहेगा। चलिए आइए अंदर जाएंगे, अंदर का एक लाइट झलके देख सकते, तो ये देख सकते हैं आप 1 BHK, मैं लाइट झलकी बताऊंगा, इसमें किराएदार है, ये पीछे का घर है जो कि किराए पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मोटर है, मीठा पानी सम है क्या नीचे? सब मीठा पानी है, ऊपर टैंकी है, अच्छा टैंकी है, नीचे सम है। तो इसमें एक हॉल है, एक बेडरूम है, एक बेडरूम है, एक हॉल है, किचन है, बाथरूम है, किचन बाथरूम है, और यहाँ से मड़गी होंगे रस्ते भी, अच्छा मड़गी को रास्ता भी है, यानी कि जो घर ये प्रॉपर्टी ले लिए तो उनको अगर अपने खुद की मलगी में कुछ कारोबार करना है तो अंदर से दरवाज़ा भी है, यानी कि मलगी कुछ कारोबार करते हैं आपका घर रहते हुए दो भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का रेट क्या है साहब, ये जो अपन 80 गज का जो बताया अपने 45 लाख बोल के, 45 लाख, इसमें कुछ कम ज़्यादा नेगोशियबल है, इंशाल्लाह नेगोशियबल रह जाएगा। तो 45 लाख में आपको ये 100 गज की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, यानी कि 1 BHK घर भी मिलेंगे, इसमें 3 मलिया भी आएंगे, कारोबार करने के लिए 80 गज का पेपर है आप जी, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, 45 लाख जी, 45 लाख इसमें स्लाइडली नेगोशियबल। और अपन जो स्टार्टिंग में जो देगा 80 गज का वो भी 42 में, हाँ उसमें भी नेगोशियबल हो जाएंगे वो 42 या 45, हाँ 45। अच्छा वो भी एक बार जाके फिर प्राइस सामने से बोल के बताऊंगा मैं जी। अभी मैं सेंटर में हूँ, वो प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी के बीच में, यानी कि अपनी यहाँ पर ये दो मलगी है 80 गज पे है, और मैं इसलिए यहाँ पे सेंटर में रुका हूँ तो आपको आप पता चले, आजू बाजू का एरिया देख सकते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन इधर चल रहा है अभी, और ये बस्ती भी आप देख सकते हैं, आजू बाजू दुकान की और टेंट हाउस के सामान की भी हर चीज़ की यहाँ पे आपको खरीदने सहूलत मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सामने मस्जिद के पीछे वो प्लॉट है 100 गज का, और टैंकी दिख रही है आपको खरीद में, और यहाँ से आपको ये ईदगाह के सामने यहाँ पे 2 मलगियाँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसका भी प्राइस बोलने का है, वो भी मैं आपको वीडियो, जैसा कि आप देख रहे थे वीडियो वॉच कर रहे थे पूरा, तो दो भी प्लॉट की, यानी कि 80 गज की और 100 गज की भी मैं आपको वीडियो बता दिया, तो उसकी भी प्राइस, उसका प्राइस मैं बता दिया 45 लाख से, वो स्लाइडली निगेशियबल रहेगा, यानी कि 80 गज के पेपर बने हुए 100 मेजरमेंट में आपको 100 गज आएगा। तो और मेरे बैक साइड में जो देख रहे हैं आप, ये 80 गज पे इसका रहेगा आपको प्राइस 42 लाख, इसमें स्लाइडली निगेशियबल रहेगा, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिए, ओनर का नंबर मिल जाएगा, 42 लाख में स्लाइडली निगेशियबल, नो ब्रोकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।